everyone, welcome to Shruti Academy. Today we will learn how to find out the mean. Now the question is, find the mean salary of 60 workers of a factory from the following table. हमें क्या find out करना है? Mean salary जो है find out करनी है. कितने workers की total कितने workers है? 60 workers है factory के अंदर और हमें एक table given है. Salary in rupees 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 and 10,000 और टोटल नंबर वर्कर्स कितने हैं? 60. अब जो हमें टेबल गिवन है इसमें हमें क्या गिवन है कि जो 3,000 जो सैलरी है वो 16 वर्कर्स की है, मतलब कि एक वर्कर की 3,000 सैलरी है. सो यहाँ पे हमें जो है टोटल जो सैलरी है 16 वर्कर्स की वो हमें नहीं गिवन है. हमें एक वर्कर की सैलरी गिवन है 3,000, मतलब कि 3,000 सैलरी कितने वर्कर्स की? 16. ये हमें गिवन है, हमें टोटल नहीं गिवन है. ओके, सो मीन निकालने के लिए मीन एक्स बार, ठीक है. मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सैलरी को हम ले लेते हैं एक्स आई. ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स को ले लेते हैं हम एफ आई. अब टोटल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है कि हम एफ आई को एक्स आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो है टोटल फाइंड आउट करेंगे. ओके, अगर एक की सैलरी 3,000 है तो 16 वर्कर्स की सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3,000 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारे पास आएगी. तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं एफ आई एक्स आई. अब आप देखो 16 थ्रीज़ा क्या होता है, 48. ओके, नाउ 30 एज इट इज. नाउ 12 फोर्ज़ा होता है 48 एंड 3 ज़ीरोस एज इट इज. A 5 ones are 5 and 1, 2, 3 and 4, 4 ज़ीरोस. तो ये हो गया 50,000. Now 6 8s are क्या होता है, 6 8s are 48 and 3 ज़ीरोस as it is. 7 6s are 42, 7 6s are 42 and 3 ज़ीरोस as it is. 8 4s are 32 and 3 ज़ीरोस as it is. Okay, 9 3s are 27 and 3 ज़ीरोस as it is. और 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10,000. अब हम इन सबको ऐड करते हैं. अब 000 000 000 यहाँ पे तो 000 आ गया. अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं. सो ये हमारे पास जब हम इन सबको ऐड करेंगे सो हमारे पास आएगा 305, मतलब कि 3,05,000. अब हमारे पास ये सम आ गया. अब सम को हम क्या करेंगे, जो सम है इसके लिए हम जो है साइन यूज करेंगे सिग्मा का. किसका? सिग्मा का. ये क्या है? सिग्मा का साइन. तो हमें जो है एफ आई का जो सम है वो हमें गिवन है, टोटल हमें गिवन है 60. इसी तरीके से जब हमने एफ आई एक्स आई का टोटल हमारा क्या हो गया, 3,05,000. सो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई. अब एफ आई एक्स आई का सिग्मा मतलब कि टोटल कितना है, 3,05,000 और एफ आई का टोटल कितना है, 60. सो 0 से 0 कैंसिल. अब हम जो है हमारे पास बचा क्या, 305,000 upon 6. तो हम 30,500 को 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. अब हम जो है डिवाइड करते हैं 6 से, हमें जो है डिवाइड करना है 30,500 को. अब 6 की टेबल में 30 आता है, कब आता है, 5 पे. सो 30 हो गया 0, 30 माइनस 30 0 हो गया, 5 नीचे लेकर आए. 6 की टेबल में 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 क्या छोटा है इससे, तो ये आ गया 0
जीरो, फाइव माइनस जीरो फाइव, अब हम जीरो लेकर आएंगे, सिक्स के टेबल में फिफ्टी आता है, नहीं आता, इससे कम क्या आता है, एट पे आता है फोर्टी एट। ना फिफ्टी माइनस फोर्टी एट हो गया टू, अब हम जीरो लेकर आएंगे, ट्वेंटी, सिक्स के टेबल में ट्वेंटी आता है, नहीं आता, इससे कम क्या आता है, थ्री पे आता है एटीन, एटीन, ओके। ट्वेंटी माइनस एटीन फिर टू आ गया, अब यहाँ पे अगर हम डेसिमल पॉइंट लगाएं तो फिर हम जो है जीरो लिखें और फिर जो है हमारे पास ट्वेंटी हो गया आ जाएगा, फिर एटीन, तो हमारे पास जो रिमाइंडर क्या बच रहा है, टू बच रहा है हर बारी, सो थ्री यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। सो हमारा आंसर क्या आ गया, रुपीज फाइव जीरो एट थ्री पॉइंट थ्री थ्री, ओके। सो जो मीन सैलरी है 60 वर्कर्स की वो कितनी आ गई, 5083.33, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है मीन फाइंड आउट करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो, फॉर लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।